वेलकम दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखे थे एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी ऑडिटर और ईए और ईएम की बुक को, इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इनके रेफरेंस जो है नेट पे अवेलेबल है, फ्री में आप ये बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी बुक्स ठीक है, 1, 2, 3, 4 चारों बुक अवेलेबल है। इनके क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है नेट पे, है ना, और इनके क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं फॉर एनर्जी ऑडिटर और एनर्जी मैनेजर्स के, जो एग्जाम बीई कंडक्ट करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कंडक्ट करता है, ये अवेलेबल है। तो अगर मैं कोई यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को रेफरेंस में देखना है, तो आप वो बुक डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं गवर्नमेंट से, बहुत सस्ती बुक है। तो ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ना, इसमें आज हम देखेंगे कि हम कैपेसिटर बैंक की कैपेसिटी कैसे इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, फॉर इंप्रूविंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और फॉरवर्ड कीजिए, अपने लोगों को रिकमेंड कीजिए। तो हम चालू करते हैं। हमको कैपेसिटर बैंक की कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटर बैंक कैपेसिटी इवेल्यूशन, ठीक है। तो अभी हमारे को कैपेसिटर बैंक की अगर कैपेसिटी निकालना है, तो KVAR है ना, रेटिंग हमको निकालना है, KVAR की रेटिंग निकालना है। KVAR की रेटिंग कैसे निकालते हैं हम? हम निकालते हैं जो एग्जिस्टिंग हमारा किलोवाट है, इनटू 10^5 माइनस 10^5, ठीक है, वेयर वेयर 5/1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर 1, ठीक है। दिस इज पावर फैक्टर 1 इज एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर, ठीक है, एंड वेयर φ2 इज कॉस इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर 2, ठीक है। तो ये आपका जो पावर फैक्टर 2 है, दैट इज इंप्रूव्ड पावर फैक्टर, जो इंप्रूव्ड पावर फैक्टर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आपके पास ये चीज किलोवाट दिया हुआ है, तो ये रेटिंग आप निकाल सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं अपन, कि हमको ये पता है कि हमारा किलोवाट जो है वो 627 किलोवाट है, ठीक है। एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर PF1 ये 0.72 है, ठीक है, और जो इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर या प्रपोज्ड पावर फैक्टर जो हम प्रपोज कर रहे हैं कि हम 9.5 के पावर फैक्टर पे लाएंगे, तो इस पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए जो कैपेसिटर बैंक लगेगा या कैपेसिटर लगेगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये हमको निकालना है, ठीक है दोस्तों। सो KVAR रेटिंग हमको निकालनी है, दिस इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग किलोवाट 627, ये मैंने ले लिया यहां से, ठीक है, 10^5, ठीक है। सो 5/1 इज व्हाट, 10^5 इज व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ 0.72, ठीक है, माइनस 10^cos^(0.95), ठीक है, ये हो गया। सो ये हमारी, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये बड़े ब्रैकेट में डाल दो इसको। ये अब इन वैल्यूज को अगर आप देखोगे, तो 627 ये ब्रैकेट मैंने बंद किया, सो 10^cos^(0.92), ठीक है। सो कॉस इनवर्स ऑफ 0.92 मैं ले लेता हूं, तो ये आता है 23, 23.07, ठीक है। सो दिस इज 23.07 माइनस 10 ऑफ, फिर कॉस इनवर्स ऑफ 0.95 मैं लेता हूं, ठीक है, 0.95, ये आता है 18.5,
18.194, 18.194, 18.194, ठीक है, ये दोनों ले लिया। अब इसके बाद 627, इसका मैं 10 लेता हूं, ठीक है, तो ये वैल्यू आती है 0.964 माइनस 0.329। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 398 के वी ए आर। ये तो हमने ये देखा कि हमको जो पावर फैक्टर 0.72 से बढ़ाना था, एम्पलीफाई करना था 0.95 तक, वो हम किसी सिस्टम में, किसी लोड में इतनी कैपेसिटी का कैपेसिटर बैंक लगा के कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, या मैं एक बार और लिख देता हूं कि के वी ए आर रेटिंग हमको अगर निकालना है, सो दिस इज इक्वल टू जो एग्जिस्टिंग किलोवाट है इनटू 1051 माइनस 1052, ये निकलेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1051 इज व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर, ठीक है, माइनस 10 कॉस इनवर्स ऑफ जो फ्यूचर पावर फैक्टर है, प्रपोज्ड पावर फैक्टर है, ठीक है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, इससे आप आंसर निकाल लोगे। इससे आपकी एक्स मान लीजिए कोई भी लोड की है, के वी ए आर रेटिंग निकल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।